हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस इनसाइट। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों के विषय में। किन किन जगहों पर हमारा कोऑपरेशन है, हमारे मध्य डिस्प्यूट्स क्या हैं और उनका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले नेपाल की भारत के लिए इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है। नेपाल भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जिसके साथ हम यूनिक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन शेयर करते हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होकर गुजरती है। भारत का पड़ोसी होने के नाते हमारा स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। लगभग 80 लाख नेपाली भारत में रहते हैं, डोमिसाइल्ड हैं या यहाँ रोज़गार करते हैं। भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों की नींव साल 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के तहत रखी गई थी। बात करते हैं इस ट्रीटी के बारे में। भारत और नेपाल सरकार के मध्य हुई यह संधि द्विपक्षीय संधि है जो कि दोनों देशों के मध्य एक क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशन को स्थापित करती है। यह संधि 31 जुलाई सन 1950 को काठमांडू नेपाल में हुई, जिसमें नेपाल के अंतिम राणा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और नेपाल में भारत के एम्बेसडर चंद्रेश्वर नारायण सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के आर्टिकल 9 के अनुसार जिस दिन ये संधि पर हस्ताक्षर हुए उसी दिन से इसको लागू कर दिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस ट्रीटी को लाने की वजह क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या है। भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों ने कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, कॉमर्शियल संबंधों पर जोर दिया, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी देश हैं, इसीलिए सिक्योरिटी रीजन से भी महत्व रखते हैं। साल 1949 में कम्युनिस्ट चाइना का उदय हो रहा था जिसने दोनों ही देशों के सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा दिया। नेपाल के राणा रूलर को भय था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करके उनके देश में एक कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन को ला सकती है। भारत को भी चाइना से अपनी सिक्योरिटी का खतरा था और इसलिए भारत ने अपने हिमालयन फ्रंटियर को मजबूत करने के लिए नेपाल के साथ डिफेंस और बाकी इश्यूज पर अलायंस करने का निर्णय लिया। अब इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस ट्रीटी के अनुसार दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता, स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। इस संधि के आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि अगर भारत या नेपाल की किसी पड़ोसी देश से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता है तो दोनों देश उसके विषय में एक दूसरे को सूचित करेंगे। ये प्रेजेंट सिनेरियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारा स्टैंड ऑफ चाइना के साथ चल रहा है। इस संधि के अनुसार दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू मेंटेन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल भारत से अपनी आर्मी के लिए आर्म्स, एमिनेशन और युद्ध में उपयोगी उपकरणों को भारत से इंपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र है। इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों के नागरिकों को समान अधिकार एक दूसरे के देश में प्राप्त होंगे, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मूवमेंट। इस संधि को 1 ईयर के नोटिस पर स्क्रैप भी किया जा सकता है। इस ट्रीटी का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। नेपाल के लोगों ने कहा कि ये ट्रीटी अनइक्वल है, ओपन बॉर्डर को सपोर्ट नहीं करती। वहीं भारत के लोगों ने कहा कि वो बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कब कब भारत और नेपाल के मध्य हाई लेवल की मीटिंग हुई है या हाई लेवल के एक्सचेंजेस हुए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साल 2014 में 2 बार नेपाल के दौरे पर गए, जिसमें से एक द्विपक्षीय दौरा था और दूसरा साक समिट का। साल 2018 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेपाल का 2 बार दौरा किया। यह उनके कार्यकाल का 4था नेपाल दौरा था। इसके अलावा पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने साल 2016 में नेपाल का दौरा किया। यह दौरा भारत के किसी प्रेसिडेंट का 18 साल बाद किया गया दौरा था। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली साल 2016 में भारत के दौरे पर आए। उनके बाद उनके मिनिस्टर प्रचंड ने भी 2 बार 2016 में भारत का दौरा किया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली साल 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए भारत आए थे। दोनों ही देशों के मध्य कई प्रकार के डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं, जिनमें से एक इंडो नेपाल जॉइंट कमीशन भी है जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल को चेयर करते हैं। 5th जॉइंट कमीशन की मीटिंग 21 से 22 अगस्त 2019 को काठमांडू नेपाल में हुई थी। मई 2019 में नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट ने
नेपाल इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का गठन किया, जिसमें 9 मेंबर्स दोनों ही अपर और लोअर हाउस के शामिल हैं। जान लेते हैं दोनों देश किन किन क्षेत्रों में सहभागी हैं, दैट इज़ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू। सबसे पहले ट्रेड और इकॉनमी की बात करते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का सोर्स भी है, दैट अकाउंट्स फॉर मोर देन 30% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन नेपाल। साल 2018-19 में बायलेटरल ट्रेड 57,858 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसमें से नेपाल का एक्सपोर्ट 3,558 करोड़ और भारत का एक्सपोर्ट 54,300 करोड़ था। नेपाल भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, कोल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स को इम्पोर्ट करता है। डिफेंस कोऑपरेशन, भारत नेपाल की सेना के मॉडर्नाइजेशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस इन केस ऑफ डिज़ास्टर। इंडिया नेपाल के मध्य बटालियन लेवल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण ऑल्टरनेटिवली इंडिया और नेपाल में कंडक्ट कराई जाती है। 14वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज दिसंबर 2019 को साल झंडी नेपाल में कंडक्ट कराई गई थी। दोनों देश एक दूसरे के आर्मी चीफ को जनरल की उपाधि देकर सम्मान देते हैं। लगभग 32,000 गुरखा सोल्जर्स भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय एम्बेसी काठमांडू के डिफेंस विंग के अंतर्गत मिलिट्री पेंशन ब्रांच, पेंशन पेइंग ब्रांच एट पोखरा एंड धारण और 22 डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स ब्रांच हैं, जो कि गुरखा सोल्जर्स के वेलफेयर और पेंशन के लिए कार्यरत हैं। एक्टिविटी एंड पार्टनरशिप, हाल के सालों में भारत नेपाल के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में असिस्ट कर रहा है, जिसमें 10 रोड्स का अपग्रेडेशन नेपाल के तराई एरिया में चल रहा है। वी आर ऑल्सो असिस्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स। वी आर असिस्टिंग इन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बीरगंज, बिराटनगर, भैरवा, नेपालगंज, जिसमें साल 2018 में दोनों प्रधानमंत्री ने बीरगंज पोस्ट का इनॉग्रेशन किया था और 21 जनवरी 2020 को दोनों ने बिराटनगर चेक पोस्ट को रिमोटली इनॉग्रेट किया। साल 2018 में दोनों प्रधानमंत्री ने नेपाल भारत पशुपति धर्मशाला काठमांडू को इनॉग्रेट किया था। भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन वर्क लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया, जिसकी लिमिट 1.65 बिलियन US डॉलर्स है। एग्रीकल्चर एंड वाटर कोऑपरेशन, साल 2018 में जब प्रधानमंत्री ओली ने भारत का दौरा किया, तब दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इंडिया नेपाल न्यू पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर को लॉन्च किया। वाटर के क्षेत्र में कोऑपरेशन के अंतर्गत कॉमन रिवर सिस्टम्स पर जोर दिया गया। कई छोटी बड़ी नदियां नेपाल से भारत की ओर आकर हमारी रिवर्स को रिचार्ज करती हैं। साल 2008 में 3-tier बायलेटरल मैकेनिज्म्स को एस्टैब्लिश किया गया, जिसके तहत वाटर रिसोर्सेज, फ्लड मैनेजमेंट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे इश्यूज पर चर्चा की जा सके। एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, भारत सरकार ने लगभग 3,000 स्कॉलरशिप्स और सीट्स नेपाली स्टूडेंट्स के लिए भारत में विभिन्न कोर्सेज के अंतर्गत प्रोवाइड कराए हैं। विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को विभिन्न क्षेत्रों में प्रमोट करने के लिए। कल्चरल कोऑपरेशन में कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें साहित्य कला एकेडमी और नेपाल एकेडमी के बीच, दूरदर्शन और नेपाल टीवी के बीच, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ नेपाल के बीच, ललित कला एकेडमी, नेपाल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के बीच प्रमुख हैं। इंडियन कम्युनिटी इन नेपाल, भारत के लगभग 600,000 लोग नेपाल में रहते हैं, वहाँ डोमिसाइल्ड हैं, जिनमें भारत के बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मेडिकल एंड आईटी प्रोफेशनल्स, सीजनल लेबरर्स भी आते हैं। नेपाल में रहने वाले भारतीयों के वेलफेयर और इंटरेस्ट के लिए इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन का 14 सितंबर 1990 में गठन किया गया। भारत और नेपाल के मध्य डिस्प्यूट्स, टेरिटरी को लेकर भारत और नेपाल का डिस्प्यूट काला पानी और सुस्ता रीजन में है। काला पानी इंडो नेपाल चाइना के बीच ट्राई जंक्शन है। नेपाल क्लेम करता है कि जो रिवर काला पानी के पश्चिम से गुजरती है वो काली नदी है और इसलिए काला पानी पर उसका अधिकार है, जबकि भारत नेपाल के इस क्लेम को नहीं मानता। भारत के अनुसार बॉर्डर ओम पर्वत की रिज लाइंस, जो कि काली नदी के ईस्ट में स्थित हैं, वहाँ से होना चाहिए। यह नदी नेपाल के सुदूर पश्चिम
अब भारत के उत्तराखंड स्टेट को बॉर्डर करती है। ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच ट्रीटी ऑफ सुगोली 4 मार्च 1816 में साइन हुई थी, जिसके अनुसार काली नदी नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर है जो कि भारत के साथ शेयर होता है। लेकिन इस ट्रीटी में काली नदी का ओरिजिन ना लिखे होने की वजह से दोनों देशों में बॉर्डर डिस्प्यूट है। काला पानी का क्षेत्र भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में साल 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद से है। साल 2015 में नेपाल ने भारत और चीन के मध्य हुए ट्रेड करार, जो कि लिपू लेक से होकर गुजरता था, उसका विरोध किया और कहा कि ये क्षेत्र नेपाल को बिलोंग करता है और ये संधि उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। नेपाल ने कई बार भारत को काला पानी से अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स हैं नेपाल में जो ये मानते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस वहाँ की पॉलिटिक्स में है और ये उनकी पॉलिटिकल सोवेरेनिटी का उल्लंघन है। हालांकि ये बात आज के ज़माने में सबको पता है कि किसका कहाँ इन्फ्लुएंस है। कॉन्क्लूजन्स: दोनों ही देश ओपन बॉर्डर के मिसयूज से अफेक्टेड हैं, जो कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स करते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को शेयर करनी चाहिए। भारत को पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए कल्चरल और वेरियस मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को दोनों पक्षों को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।